वो काफी अच्छा है। और यहाँ पर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रणाम। आप देख रहे हो इंद्रिक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सिग्नेस ओएस के बारे में। सो सिग्नेस ओएस को हमने रेडमी 4 के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, और रेडमी 4 के अंदर सिग्नेस ओएस 2.0 किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। क्या है ये स्टॉक एंड्रॉयड 10 से बेहतर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सिग्नेस वेस को डाउनलोड करना चाहते हो अपने रेडमी 4A के लिए और कोई डिवाइस के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिग्नेस वेस है रेडमी 4A, पोके फोन, रेडमी नोट 7 के लिए भी अवेलेबल है। आप नीचे सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये जो वेस है दोस्तों, ये कैप बेस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आती है वो आपको यहाँ पर रेड टू म्यूजिक मिलती है, वाया ब्राउजर मिल जाती है, स्नैपड्रैगन गैलरी मिलती है दोस्तों, मिक्स का फाइल मैनेजर मिलता है। एकदम दोस्तों मिनिमल एप्लीकेशन को दिया गया है। और जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों, वो आपको क्वालकॉम का जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाके अबाउट में जाके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप वर्सन भी देख पाओगे दोस्तों। और जो कर्नेल है दोस्तों, एटमोस्फेयर कर्नेल को यूज किया गया है। सिज्मा ओएस 2.0 आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो दोस्तों इस एज ओएस को मेनली स्टेबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हो, अच्छी बैटरी लाइफ के लिए यूज कर सकते हो। पर अगर आपको कस्टमेशन चाहिए तो ये ओएस आपके लिए नहीं है। आपको मिनिमल कस्टमेशन भी नहीं मिलता है। अगर आप पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन की यूज कर चुके हो दोस्तों, उसमें आपको ज्यादा कस्टमेशन मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। इसके अंदर कस्टमेशन है ही नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के अंदर ध्यान दिया गया है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ काम कर रहा है, वाईफाई काम कर रहा है, व्हाट्सएप यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। और जो बैटरी लाइफ है इस रॉम का काफी अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे जो बैटरी ड्रॉप है आइडल मोड के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। और यूजर्स अगर आप करोगे तो दोस्तों आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क मोड मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड 10 के साथ ही आती है, जो कि काफी अच्छी बात है। टैप टू ऐप का भी फीचर आपको मिलता है, और लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के लिए अलग से सीरीज दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर साउंड की, तो साउंड के अंदर कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाती है। उससे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एमआई का जो साउंड इनहेंसर है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो भी यहाँ पर मिसिंग है रेडमी 4A के अंदर। कोई भी एंड्रॉइड 10 के ऊपर अभी के लिए फेस अनलॉक का फीचर नहीं दिया गया है। अगर बात करूं गेस्चर्स की, तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन गेस्चर्स का ऑप्शन है, थ्री नेविगेशन गेस्चर्स का भी आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है, पर कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर फिलहाल नहीं मिलता है। और जीकेएम की अगर सपोर्ट की बात करूं, ये जो रॉम है दोस्तों जीकेएम को सपोर्ट करता है, और इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो काफी अच्छा है। और यहाँ पर अगर बात करो दोस्तों, एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ नंबर्स लिखा जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड का जो डेवलपर प्रीव्यू होता है उसके अंदर भी दोस्तों कुछ इस तरह से भी नंबर आता है। सो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नंबर है। सो कब कैप वर्सन आपको मिलती है, ये एओएसपी बेस्ड रॉम नहीं है दोस्तों, कैप बेस्ड रॉम है। सो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है एओएसपी और कैप के अंदर, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और जो एंड्रॉइड की ओपन सोर्स है उसके अंदर से ही दोस्तों उसका जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर ही फाइल्स को लेता है। अभी के लिए दोस्तों इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद आपको जीएप्स को अलग से फ्लश करना होगा। इस रॉम के अंदर आपको जीएप्स नहीं मिलता है। सो मैं यहाँ पर इस रॉम के अंदर जीएप्स को फ्लश नहीं किया हूँ, सिर्फ रॉम को ही डाला हूँ और आपके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस रॉम को एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। और रेडमी 4A के लिए धीरे धीरे जो रॉम डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, सिर्फ छोटे मोटे रॉम आपको यहाँ पर मिलेगी रेडमी 4A के अंदर। सो मैं आशा करूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो को पसंद आया होगा। एक जो रॉम है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अच्छी बैटरी लाइफ चाहते हो, तो इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।